घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक भयंकर गर्मी में होने वाली हजारों बीमारियों से बचने की रामबाण है ये रेसिपी। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और सिर्फ 5 मिनट में तैयार। सुपर पावरफुल शरबत बना रहे हूँ, बेहद टेस्टी होता है। एक बार बनाइए, 8 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सर दर्द, थकान, कमजोरी, लू लगना, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ के साथ आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, याददाश्त बढ़ाएगा, नींद अच्छी आएगी। नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव, नो एसेंस और ना कोई चीनी ना गुड़। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। समर स्पेशल सुपर हेल्दी टेस्टी ठंडा ठंडा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप ये मोटी वाली सौंफ। गर्मियों में सौंफ बेहद फायदा करती है, खूब सारे कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है सौंफ। और आज जो ये मैं इंस्टेंट सौंफ का शरबत आपको बता रही हूँ, इसका तो जवाब ही नहीं है। बेहद टेस्टी और लाभदायक होता है और बनाना आज मैंने इसे कर दिया है बेहद आसान। मोटी वाली सौंफ में खुशबू अच्छी होती है, तो 1/2 कप मोटी सौंफ लेंगे और साथ ही 1/2 कप मैं और ले रही हूँ ये बारीक वाली सौंफ, जिसे हम लखनवी सौंफ भी बोलते हैं। इस सौंफ में मिठास ज्यादा होती है, खुशबू भी ज्यादा होती है और जूस ज्यादा होता है। तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो शरबत का फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आएगा, साथ के साथ खुशबू अच्छी आएगी। तो देखिए ये बारीक वाली सौंफ देखिए इस तरह की, जो हम एज अ माउथ फ्रेशनर भी खाते हैं खाना खाने के बाद। तो 1/2 कप मैंने दोनों तरह की सौंफ ले ली है, लगभग 1 कप हो गया टोटल। आप पूरी तरह एक ही तरह की सौंफ से भी इसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सौंफ वगैरह सब आपको इसी तरह लेनी है, कोई भी चीज आपको रोस्ट नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि सौंफ की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सौंफ को कभी भी भूना नहीं जाता अगर आप उसे गर्मी में यूज करने वाले हैं। अब इस हेल्दी गर्मियों के स्पेशल सौंफ के शरबत को बेहद टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 25 के करीब हरी वाली इलायची। इलायची हमारे जितने भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको दूर करती है, साथ के साथ पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है इलायची और हार्ट हेल्थ को मेंटेन करती है। मतलब ये सौंफ का शरबत ऐसा बनता है कि इसकी खुशबू से ही एकदम ऐसा तरोताजा और एनर्जेटिक फील होता है कि आप अगर गर्मी में कहीं बाहर से आए तो तुरंत आपको लगेगा कि इस शरबत को पी लो, अब चाहे पानी में बना के पियो या दूध में। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च। काली मिर्च में औषधि गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत फायदा करती है ये गर्मियों में, साथ ही डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो इस शरबत में जब आप थोड़ी सी डालेंगे तो टेस्ट भी बढ़ेगा, साथ के साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ जाएंगे शरबत के। अब जो नेक्स्ट चीज मैं ले रही हूँ वो है खसखस। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच पॉपी सीड्स लिए हैं, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। खसखस गुड़ों का खजाना होती है, गर्मियों में बहुत फायदा करती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये सारी चीजें मैंने वो ली हैं जिनकी तासीर ठंडी है और ये गर्मी में आपको बहुत बहुत फायदा करेंगी, स्पेशली गर्मी में जो पानी की कमी हो जाती है और उससे लू लग जाती है, सौंफ का शरबत आपको उससे बचाएगा। आज इस सौंफ के शरबत को मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो मैं ये केमिकल वाली चीनी या गुड़ नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ 400 ग्राम मिश्री, जिसे आप रॉ शुगर या फिर शुगर थ्रेड कैंडी भी बोलते हैं। मिश्री अनरिफाइंड शुगर होती है, ये बहुत ही ज्यादा ठंडक देती है गर्मियों में, केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होती तो गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप चीनी या गुड़ से बनाने वाले हैं तो आप इसे चीनी या गुड़ से भी बना सकते हैं। मिश्री औषधि गुणों से भरपूर होती है, तो अगर आप ये लेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इस शरबत का। तो यहाँ पर मिश्री के बड़े बड़े पीसेज है, इसलिए थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे बेलन से या फिर इस तरह से आप क्रशर से थोड़ा सा इसको क्रश कर लें, जिससे आपको इसे मिक्सी में पीसना आसान हो जाए। बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि बच्चों की याददाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, साथ ही साथ अच्छी नींद आती है, तो बहुत ही फायदा मिलता है बच्चों को। तो लीजिए मिश्री को भी मैंने बिल्कुल बढ़िया से क्रश कर लिया है, अब आप इजीली इसको मिक्सी में पीस पाएंगे। चलिए तो सब चीजें हमारी तैयार है, अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में जो अभी हमने सौंफ, इलायची, साबुत काली मिर्च और खसखस लिया है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ में डालेंगे मिश्री और बढ़िया से फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। चीनी या मिश्री डालने से क्या होगा ना, जो सौंफ है वो बढ़िया से पिस जाएगी, एकदम फाइन हो जाएगी, तो बाद में उसे हम छान लेंगे तो जो भी मोटे मोटे कण होंगे वो निकल जाएंगे। तो 1/2 करके बढ़िया से पीस लेंगे। लीजिए हमारा पूरा फाइन पाउडर बनकर के तैयार है, अब आप लीजिए 1 छलनी और बारीक वाली जो छलनी है ना वो लीजिएगा और अच्छे से पूरे पाउडर को छान लेंगे, जो भी थोड़े बहुत रेशे होंगे वो निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह, आप चाहे तो इसे एक बार और पीस लीजिए या फिर ये जो बचा हुआ मिक्स है इसको आप गमले वगैरह में डाल सकते हैं, खाद की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और सेकंड बैच का भी शरबत मिक्स हम इसी तरह से पीस लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड बैच का शरबत मिक्स भी छान लेंगे।
बस अपने सौंफ के शरबत के इस इंस्टेंट मिक्स को आप एक एयर टाइट जार में इस तरह भर करके रख लीजिए। ये 8 महीने से 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बाहर भी रखेंगे तो भी 6 महीने खराब नहीं होगा। चलिए हमारा सौंफ के शरबत का इंस्टेंट मिक्सर बिल्कुल तैयार, फटाफट बनाते हैं जबरदस्त हेल्दी और टेस्टी सौंफ का शरबत। तो यहाँ मैं आपको शरबत के 3 वर्जन बता रही हूँ, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 गिलास और ग्लास में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच शरबत मिक्स। इस तरह से शरबत मिक्स अगर पहले से बना हुआ हो, एक तो खराब नहीं होता, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा रहती है और आप कभी भी इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर अपना शरबत तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ग्लास में मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, 2 मैं आपको पानी के साथ बता रही हूँ, 1 मैं आपको दूध के साथ बताऊंगी, जैसे आप लाइक करें उसको बना सकते हैं, क्योंकि ये शरबत चाहे दूध के साथ बनाइए या पानी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी, एकदम तरोताजा करने वाला, रिफ्रेशिंग वाला शरबत तैयार होता है। अच्छे से कर देंगे मिक्स और बस इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। अब दूसरे ग्लास में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक और भुना जीरा पाउडर। अच्छे से कर देंगे मिक्स, मतलब मजा आ जाएगा जब आप सौंफ का शरबत इस वर्जन में बनाकर पियेंगे। चाहे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नींबू का रस या मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो अगर आप मीठा वाला इस तरीके का फ्लेवर ना पसंद करें तो आप ये चटकानेदार फ्लेवर में अपना सौंफ का शरबत तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ठंडा दूध, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, मुझे बेहद पसंद है ये दूध वाला, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और बस इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। तो लीजिए हमारा इंस्टेंटली बनने वाला सौंफ का हेल्दी टेस्टी शरबत है बिल्कुल तैयार, और वो भी 3-3 फ्लेवर्स के साथ। इसको आप पूरी गर्मी डेली पीजिए, बहुत फायदा करेगा, पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में, लू लगती है फिर उससे, वो भी नहीं लगेगी और साथ के साथ बढ़िया नींद आएगी, आंखों की रोशनी तेज होगी, ब्रेन तेज होगा, याददाश्त तेज होगी और सारी थकान दूर हो जाएगी और आप एकदम से तरोताजा महसूस करेंगे, इतना बढ़िया है ये शरबत। जरूर जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसान मैंने कर दिया है इसे बनाना, बस इस तरह बना करके आप साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए, जब दिल चाहे निकालिए और अपना इंस्टेंटली सौंफ का शरबत तैयार कीजिए। इसी तरह आप मेरे दूसरे शरबत और शेक की रेसिपी भी जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएंगी। सभी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें ट्राई करें, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको सभी तरह के शरबत और शेक्स की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्टेंट सौंफ के शरबत की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।